आप देख रहे हैं न्यूज 48 झारखंड टुडे। भ्रष्टाचार पर कलम का वार। खबर झारखंड के गढ़वा से। गरीबों की हक की लड़ाई के लिए अगर मुझे हजार बार भी जेल जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उप बाते जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गाड़ाखोर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नीरज सिंह ने 170 दिन बाद जेल से वापस आने के बाद कही। रविवार को मजिया सुंदीपुर मुख्य सड़क स्थित मोखापी मोड़ पर पंचायत के सैकड़ों लोगों के द्वारा नीरज सिंह को माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि मुखिया प्रतिनिधि नीरज सिंह को पुलिस द्वारा एक मामले में बीते 5 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। नीरज सिंह को न्यायालय से 21 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंचायत के लोगों को जब यह सूचना मिली कि उनके हमदर्द युवा नेता वापस आ रहे हैं तो भारी संख्या में लोग मोखापी मोड़ पहुंचकर अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। जब नीरज सिंह 2 बजे मोखापी मोड़ पहुंचे तो लोगों ने फूलमाला व बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। उपस्थित लोग अपने नेता के नाम का नारा भी लगा रहे थे। नीरज सिंह ने वहां उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांडी पुलिस के द्वारा एक साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मैं पंचायत की आम जनता के साथ हमेशा खड़ा हूँ। गरीबों की हक की लड़ाई के लिए अगर मुझे हजार बार भी जेल जाना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। समाज को, सभी समाज को मिला जुला कर लेके हम लोग सब समाज को चलते हैं। वो लोकप्रियता को देख करके हमारे विरोधी घबरा गए और साथ साथ में हमारे कांडी थाना प्रभारी हमसे विपक्षी लोगों से मिलकर और षड्यंत्र रच कर और हमारे ऊपर झूठे मुकदमा कर हमें जेल भेजने का काम किया है। और हम जब तक जिंदा रहेंगे गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए हजारों बार जेल जाना होगा, जाने के लिए तैयार हैं। हम आज 4 महीना 17वां दिन आज हम घर जा रहे हैं। हमें गलत तरीका से फंसा कर गढ़वा मंडल कारा भेजा गया था और गरीबों का लड़ाई लड़ने की वजह से हमारे विरोधी और थाना प्रभारी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हमको जेल भेजे और हमें उच्च न्यायालय से हमको फैसला मिला। और मैं आप मेल पर आपके समाज के बीच में आज हम अपने चाचा भाई परिवार लोगों के बीच में खड़ा हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। अब पुनः मैं जब तक जिंदा रहूँगा समाज के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। समाज का गरीब गुरुओं का आवाज़ को समाज में नहीं जहाँ भी उठाने का मौका मिलेगा, जहाँ गरीबों का आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा वहाँ मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। जेल जाना नहीं, अगर फांसी पे लटकना पड़ेगा तो वीर भगत सिंह की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।